एवरीवन, पॉलिनोमियल अरिथमेटिक के सीरीज में आज हम लोग पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। और पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें कुछ एक जनरल कॉन्सेप्ट्स जो हमने पहले पढ़े उसको यूटिलाइज करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट से हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स अवेलेबल है। वन ऑफ दी पॉलिनोमियल वन इज लेट से 3x^5 प्लस 2x^6 प्लस 2x^4 -3x² प्लस 8x। दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल। लेट्स से द सेकंड पॉलिनोमियल इज 4x³ प्लस 2x² प्लस 9x एंड प्लस 7। लेट्स से हमारे पास ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और इन दोनों पॉलिनोमियल्स का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फॉर परफॉर्मिंग द पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि हम पहले ये वाला टर्म को पिक कर लें फर्स्ट पॉलिनोमियल के और सेकेंड पॉलिनोमियल के सभी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते करते इसको देखते हैं। सो ये टर्म पॉलिनोमियल टू के सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो जो पहला टर्म ऑप्टेन करेंगे हम, सो दैट विल बी 12x^8। जो दूसरा टर्म हम ऑप्टेन करेंगे दैट विल बी 6x^7। जो दूसरा टर्म हम ऑप्टेन करेंगे दैट विल बी 27 मल्टीप्लाइड विथ एक्स रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट टर्म विल बी 7x^5। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म पिक कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए दैट इज 2x^4। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद एवरी टर्म ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। सो 2x^4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड पॉलिनोमियल से। सो दिस इज 8x^7 एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइंग विद द सेकेंड टर्म, सो 4x^6 एंड देन इसके बाद मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट टर्म से, तो दिस इज 18x^5 एंड देन प्लस 14x^4। अब हम नेक्स्ट टर्म पिक करते हैं, दिस इज -3x², इसको ऊपर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, एंड दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद एवरी अदर टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल टू। सो दिस विल बी -12x^5 एंड देन नेक्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी -6x^4 एंड देन -27x³ एंड देन -21x². फिर आप नेक्स्ट टर्म पिक करें 8x, और 8x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 32x^4 एंड देन 16x³ एंड देन 72x² एंड देन प्लस 7। सो जो आपने ये पॉलिनोमियल टर्म पॉलिनोमियल आपने फाइंड किया जो कि आपका आंसर पॉलिनोमियल है, इस आंसर पॉलिनोमियल के साथ तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो जो पावर 7 वाला टर्म है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपको इन दोनों के कोफिशियंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली x^6 का टर्म यहाँ पे भी है और x^6 का टर्म यहाँ पे भी है, आपको इनके कोफिशियंट्स को भी ऐड करना पड़ेगा। देन 7x^5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपको इन दोनों के भी कोफिशियंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो x^5 बल्कि यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि कई जगह पे x^5 अपीयर होता है। तो हम सिंपल सा प्रोसेस अगर देखें तो हमें ए लिंक्ड लिस्ट पॉलिनोमियल थ्री बनाने के बाद इसमें कई सारे ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे, ट्रैवर्सल्स करने पड़ेंगे, और अगर ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिंक्ड लिस्ट के तो उस केस में हमें लिंक्ड लिस्ट के नोड्स को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x^5 के केस में हम एक टर्म पिक करेंगे और पूरी लिंक्ड लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे आगे की तरफ, और जहां जहां x^5 वाला टर्म मिलेगा उसके कोफिशियंट्स को इस वाले टर्म के साथ ऐड करके इस वाले नोड को हम डिलीट कर देंगे। सिमिलरली जब यहाँ मिलेगा तो इसके कोफिशियंट को यहाँ पे ऐड करके इस नोड को हम डिलीट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें काफी सारा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली n² एफर्ट हमें केवल इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए चाहिए होगा, और हर बार हम किसी न किसी नोड का डिलीशन करेंगे। तो हम इससे अगर बचना चाहते हैं तो हम एक बेटर मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये बेटर मेथड बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है वन, तो इसका जो पहला टर्म होगा वो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला होगा, और जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है इसका भी जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा, पहला पार्ट जो होगा या पहला टर्म जो होगा वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला होगा। तो अगर हम इन दोनों के कोफिश इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को कहीं ऐड कर लें, लेट से हमने एन फाइंड किया बाई एडिंग देयर एक्सपोनेंट, सो पॉली 1 डॉट एक्सपोनेंट एंड देन प्लस पॉली 2 डॉट एक्सपोनेंट। ऐसा हम केवल इसलिए कर रहे हैं
कि हमें जानना चाहते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल या हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला कौन सा पॉलिनोमियल है जो हमें मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जब फर्स्ट टर्म फर्स्ट हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला हमें टर्म मिलेगा। तो 12x8 हमें मिल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। हम एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लेते हैं और इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल को डायरेक्ट एड्रेस टेबल को हम एक डिफाइन कर लेते हैं। एक सिंपल सा एरे है जिसमें हम डायरेक्टली किसी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में चूंकि हमने देखा कि 5 + 3 8 हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो सकता है, तो मुझे एक ऐसी डायरेक्ट एड्रेस टेबल चाहिए जिसमें कि इंडेक्स 8 भी हो और साथ ही साथ अदर इंडेक्सेस भी हों। तो इसलिए हमें 0 इंडेक्स भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8 भी चाहिए। तो अगर हमने ये माना कि इसमें एक और ऐड कर दिया जाए, सो हम एक डीएटी डिक्लेयर कर सकते हैं एन साइज का। फाइन, तो ये 1 क्यों ऐड किया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एन की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल 1 डॉट एक्सपोनेंट प्लस पॉलिनोमियल 2 डॉट एक्सपोनेंट पे हैं, एंड देन इसके बाद आप एक डीएटी डिक्लेयर कर लें जिसकी साइज n+1 हो। n+1 इसलिए क्योंकि हमें nth इंडेक्स भी चाहिए। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8 है इस डीएटी में, ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी हम किसी टर्म को फाइंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 12x8 फाइंड किया, तो हमने देखा कि 8 इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू को 12 कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और अपडेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि इस डीएटी के हर एक इंडेक्स पे 0 है। इसका मतलब है कि सभी टर्म्स के या सभी एक्सपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट्स हैं इनिशियली वो 0 है। जैसे हमें 12x8 वाला टर्म मिला, हमने क्या किया कि इस इंडेक्स पे गए और 0 + 12 कर दिया। इसका मतलब है कि 8 एक्सपोनेंट वाले टर्म का जो कोफिशियंट है वो 12 हो गया। एंड देन 6x7 है तो इसमें हमने +6 कर दिया। देन 27x6 है तो 6 वाले इंडेक्स पर जाके हमने 27 कर दिया। 7x5 है तो 5 वाले इंडेक्स पर जाके हमने 7 लिख दिया। फिर 8x7 है तो 7 इंडेक्स पर गए, पहले से वहां पे 16 था और हमने वहां पे 8 ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे 14 हो गया। देन 4x6, पहले से 6 वाले पे 27 है, इसमें 6 ऐड कर दिया, सॉरी 4 ऐड कर दिया तो ये 31 हो गया। नेक्स्ट 18x5, पहले से ऑलरेडी इसमें 7 है तो 7 में हम 18 ऐड कर देंगे, सो ये 25 हो जाएगा। देन 14x4 है, हम इस 4 इंडेक्स पे जाते हैं और यहाँ पे 0 की जगह 14 कर देते हैं। देन -12x5 है तो 5 इंडेक्स पे जाते हैं, यहाँ पे पहले से 25 है, -12 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। स्पेस नहीं अंदर सेल में, इसलिए मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। फिर -6x4 है तो 4 वाले पे हम जाते हैं और 14 यहाँ पे पहले से है, मैं इसमें -6 को ऐड कर देता हूँ तो दिस विल बिकम 8। देन -27x3, इसका मतलब क्या है कि 27 वाले इंडेक्स पे आप जाइए और यहाँ पे -3 वाले इंडेक्स पे जाइए और 27 लिख दीजिए। फिर -21x2 है तो 2 वाले इंडेक्स पे जाइए और यहाँ पे -21 कर दीजिए, 0 - 21, आंसर 21 होगा। 32x4 हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, तो आप क्या करना है कि 4 वाले इंडेक्स पे जाना है और यहाँ पे 32 को ऐड कर देना है जिससे कि हो जाएगा 40। एंड देन 16x3, इसका मतलब x3 वाले पे आप जाइए और 16 को ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बिकम -11। एंड देन 72x2 है, इसका मतलब है कि आप 2 इंडेक्स पे जाइए और यहाँ पे 72 ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बिकम 51। एंड देन 7x0 है तो आप 0 इंडेक्स पे जाइए और 0 इंडेक्स पे जाके सो एक छोटी सी हमसे शायद गलती हुई, उसको भी हम सुधार लेंगे। जब हमने 8x को 9x से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा 72x2 आया है। एंड देन जब हम 8x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 56x। सो यही छोटी सी गलती, इसको आप सुधार ले देंगे हम लोग यहीं पे। तो हमने जब 56x वाला टर्म लिया तो इसको x1 वाले में जाके हमने यहाँ पे 56 कर दिया। फाइन, सो हमने एक डीएटी जो ऑप्टेन किया इसको री राइट कर लेते हैं। और हमने देखा कि 0 इंडेक्स पे सभी टर्म्स को आप दोबारा से लिख लीजिए, 8 इंडेक्स पे मेरे पास है तो डीएटी के 0 इंडेक्स पे 0 है, डीएटी के 1 इंडेक्स पे 56 है, डीएटी के 2 इंडेक्स पे 51 है, डीएटी के 3 इंडेक्स पे -11 है, 4
इंडेक्स पे 40 है, 5 इंडेक्स पे 13 है, 6 इंडेक्स पे 31 है, 7 इंडेक्स पे 14 है और 8 इंडेक्स पे 12 है। तो अब आपको क्या करना है कि इससे एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डीएटी को ट्रैवर्स करते हैं जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स, और जैसे ही हम देखते हैं किसी सेल में जीरो है तो वो उसका इंक्लूजन नहीं होगा हमारे थर्ड पॉलिनोमियल या आंसर पॉलिनोमियल में। अदरवाइज जिसका एक्स जिसका भी कोफिशियंट जीरो नहीं है वो टर्म इंक्लूड होगा। जैसे 56x पावर 1 ये इंक्लूड हमारा होगा लिंक लिस्ट में। तो हम एक लिंक लिस्ट में एज अ फर्स्ट टर्म इसको इंक्लूड कर लेते हैं 56x पावर 1। इसके बाद हम 51 नेक्स्ट वाले टर्म को लेते हैं 51x स्क्वायर। तो एक नोड बनाते हैं, यहाँ 51 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, ये इंक्लूड हो गया। देन इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं -11x पावर 3। फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट टर्म पिक किया, नेक्स्ट टर्म इज 40, 4 इंडेक्स पे है तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं लिंक लिस्ट में। सो दिस विल बी 40x पावर 4। सिमिलरली हम अदर टर्म्स को भी ऐड करेंगे। आइए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो जो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा वो ये वाला होगा 13x पावर 5। सो दिस इज 13 एंड x पावर 5। एंड देन हम पिक कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म, दिस इज 31x पावर 6। देन नेक्स्ट टर्म हम पिक करते हैं, सो दिस इज 14x पावर 7। एंड देन हम इंक्लूड कर रहे हैं नेक्स्ट वाला टर्म, दैट इज 12x पावर 8। सो ये हमने पॉलिनोमियल 3 इस तरह से बना लिया। तो जब हमने डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज करके किया तो जो मर्जिंग है टर्म्स की वो आसान हो गई और ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हमने इस मर्जिंग को कर लिया है। तो आइए इसको हम कोड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, देन उसी को सिंपली हम कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक पॉली 1 एंड एक पॉली 2। अपनी तरफ से हमें एक पॉली 3 लेना पड़ेगा और पॉली 3 को इनिशियली हम नल ले लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी नोड्स नहीं होंगे। इसके बाद फिर हम एक डीएटी ले लेते हैं एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डीएटी की साइज क्या होगी। साइज होगा n+1 और इसके पहले हम एन को डिफाइन कर लेते हैं। सो वट इज एन, एन इज इक्वल्स टू poly1.exponent + poly2.exponent। I'm really very sorry कि इसमें थोड़ा सा स्पेस मुझे नहीं मिल पा रहा है इस लाइन में। सो poly1.exponent + poly2.exponent से मुझे हाईएस्ट टर्म मिल गया जो कि पॉलिनोमियल 3 में होगा और n प्लस 1 साइज का मैंने डीएटी डिक्लेयर किया जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 हैं इनिशियली, और 0 एक इंडिकेशन है कि कोफिशियंट्स हमारे 0 हैं हर एक्सपोनेंट के इनिशियली। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक p ले लेते हैं जो कि पॉलिनोमियल 1 के पहले नोड पे करेंटली है और इसके बाद फिर हम पॉलिनोमियल 1 के टर्म्स को 1 by 1 ट्रैवर्स करेंगे और इसको पॉलिनोमियल 2 के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाइल पॉली 1 के का जो पॉइंटर है मतलब p पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से हमारे पास एक q है जो कि सेकेंड पॉलिनोमियल के फर्स्ट नोड को डिनोट करता है और हमने एक आइटम को पिक कर लिया है पॉलिनोमियल 1 से और उसको पॉलिनोमियल 2 के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाइल q इज नॉट इक्वल टू नल नेस्टेड लूप हम अप्लाई करेंगे और हमें अगर टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो मान लेते हैं कि दो टर्म्स हमारे पास निकलेंगे, एक c होगा और एक e होगा। c का मतलब है कोफिशियंट और e का मतलब है एक्सपोनेंट। तो कोफिशियंट्स मल्टीप्लाई होंगे और एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। जैसे p का मान लेते हैं टर्म 3x पावर 5 है और जो q का टर्म है वो 7x³ है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशियंट्स हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 3 = 21 आएगा और जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो ऐड हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8। सो द कोफिशियंट्स मींस p डॉट कोफिशियंट मल्टीप्लाइड विद q डॉट कोफिशियंट एंड देन एक्सपोनेंट विल बी पी डॉट एक्सपोनेंट प्लस क्यू डॉट एक्सपोनेंट। एंड देन हम क्या करते हैं कि डीएटी में जाते हैं और डीएटी के ई इंडेक्स पे हमें जाना होगा और डीएटी के ई इंडेक्स पे करेंटली जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें हम सी को ऐड कर देते हैं। सो इस तरह से हमें नया कोफिशियंट मिल गया या हमने कोफिशियंट को अपडेट कर दिया।
फाइन, जब हमने एक नोड को पिक कर लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो क्यू को हम आगे प्रोग्रेस करा देते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डॉट नेक्स्ट, और जब हम सारे टर्म्स को पिक कर लेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, देन उसके बाद हम पी को आगे बढ़ा देंगे नेक्स्ट नोड पे, और उसके साथ पॉलिनोमियल टू के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये तो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, और हमारे पास सारी डेटा वैल्यूज डीएटी में आ गई। लेकिन अभी हमने लिंक लिस्ट नहीं बनाई पॉली थ्री, वह एक काम करते हैं कि लिंक लिस्ट हम कैसे बनाएंगे इसको समझिए। हमने एक लूप चलाया, लेट से हमने एक लूप चलाया फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो इंडेक्स जो है, जो डीएटी का है, उससे लेके और एनथ इंडेक्स तक हम आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और डीएटी के आईथ इंडेक्स पे जो आई की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके अंदर डेटा वैल्यू पड़ी हुई है उसके सेल में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोफिशियंट। तो हमें क्या करना है कि इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन द पॉलिनोमियल थ्री, जिसमें आईथ इंडेक्स मुझे रिप्रेजेंट करेगा और डीएटी आई मेरा रिप्रेजेंट करेगा इसका कोफिशियंट। सो पहले कोफिशियंट एंड फॉलोड बाई द एक्सपोनेंट, और इससे हमने एक नोड बना लिया और उसको बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया। फाइनली आप इस नोड को, इस लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, जो कि पॉली थ्री है, वही आपकी आंसर लिंक लिस्ट होगी। भाई इसको कोड करके देखते हैं। सो दिस इज दी पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन। सिंस वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, तो हमें कुछ अपडेशन करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें डीएटी लेना है और वेरिएबल साइज का लेना है, तो हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने का जो तरीका है, हमने कॉन्स्टेंट जानते हैं। लेकिन हाँ, हम एक कैलॉक फंक्शन का यूज करके या मेलॉक फंक्शन का यूज करके एक एरे बना सकते हैं जो कि वेरिएबल साइज का एरे बन सकता है, या हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा लेते हैं जितनी हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास पॉलीनोमियल मल्टीप्लीकेशन में दो वैल्यूज पास हैं, एक है पॉली वन एंड पॉली टू, जिसका हमने पॉली थ्री अपनी तरफ से माना है। पॉली वन को ट्रेवर्स करने के लिए पी पॉइंटर का यूज करेंगे, पॉली टू को ट्रेवर्स करने के लिए क्यू पॉइंटर का यूज करेंगे। दोनों के एक्सपोनेंट को पहले, मतलब कि पी ये पॉलिनोमियल फर्स्ट के पहला पहला नोड, पॉलिनोमियल टू का जो पहला नोड है, दोनों के एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं, लेट्स से दैट इज एन। एंड देन इसके बाद हमें एक डीएटी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, डीएटी नाम का पॉइंटर वेरिएबल, इसके लिए हम मेमोरी क्रिएट करते हैं। कितनी मेमोरी क्रिएट करेंगे, एन प्लस वन साइज का हमारा एरे बनेगा, और हर एक एरे में, एरे के हर एक सेल में इंटीजर टाइप की डेटा वैल्यू आएगी। तो कैलॉक फंक्शन का यूज सिंपली हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एरे हम बनाएंगे उसके हर एक सेल को जीरो से इनिशलाइज करना है, अदरवाइज मेलॉक भी हमारा वर्क करता, लेकिन हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि हर एक सेल में जीरो वैल्यू हो इनिशियली। सो ये इसका टाइप कास्टिंग हमने कर ली, जो मेमोरी हमने क्रिएट की है, ताकि डीएटी एक इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर सके। सो हमारा डीएटी बन गया है, उसके सभी सेल्स में जीरो वैल्यू इनिशलाइज हो चुकी है। फिर इसके बाद हमने, जब तक हमारी लिंक लिस्ट नल ना हो जाए, तब तक हमने ट्रैवर्सल किया फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को, और सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को हम बार बार ट्रैवर्स करेंगे। क्यों ट्रैवर्स करेंगे? क्योंकि फर्स्ट टर्म लिया फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का, एंड उसको सेकेंड वाले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर काम हम यहाँ पे करते रहेंगे। मान लिया कि एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर लिया है, एक्स इज इक्वल टू पी डॉट एक्सपोनेंट प्लस क्यू डॉट एक्सपोनेंट, और इसके कोफिशियंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पी डॉट ए कोफिशियंट एंड मल्टीप्लाइड विद क्यू डॉट कोफिशियंट, और डीएटी के एक्स इंडेक्स पर हमें जाना है, और एक्स इंडेक्स पर जाके जो भी करंट वैल्यू वहां पड़ी हुई है उसमें वाई को ऐड कर देना है। फाइन, सो हमने अपने एल्गोरिथम में ई और पी, ई और सी लिया था, आप यही ले लीजिए यहाँ पे कि डीएटी के ई एक्सपोनेंट पर जाना है, और करंटली जो पड़ी हुई ई एक्सपोनेंट पर वैल्यू, वहां पे सी को ऐड कर देना है। इस केस में जो वेरिएबल्स है चेंज कर दीजिए, इसको ई और सी वेरिएबल कर दीजिए, अपार्ट रादर देन टेकिंग इट फॉर सी एंड एक्स एंड वाई। सो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा जब तक कि फर्स्ट लिंक लिस्ट में नोड्स हैं। जैसे फर्स्ट लिंक लिस्ट में नोड्स फिनिश होंगे, हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स को ऐड करेंगे पॉलिनोमियल थ्री में। सो हमने जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स स्टार्ट किया डीएटी को ट्रैवर्स करना। अगर डीएटी के इंडेक्स पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जीरो वैल्यू है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में या थर्ड पॉलिनोमियल में, अदरवाइज हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं और थर्ड पॉलिनोमियल में बिगिनिंग में इंसर्ट करा लेते हैं डीएटी आई, मतलब कि कोफिशियंट, एंड आई मीन्स एक्सपोनेंट, इसके साथ हम नोड बना के उसको बिगिनिंग में इंसर्ट कर देते हैं, एंड फाइनली इसको हम रिटर्न कर देंगे। आइए हम इसको रन करके देखते हैं मेन से। सो मेन में हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स क्रिएटेड हैं, एक ये पॉलिनोमियल है एंड सेकेंड ये वाला पॉलिनोमियल है, पॉली वन एंड पॉली टू। तो हमने पहले उनको ट्रेवर्स किया,
एंड देन उसके बाद फिर ऐड करके मल्टीप्लाई करके एंड देन ऐड सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जो कि हम केवल मल्टीप्लिकेशन से डील करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो आप मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल नाम का एक फंक्शन उसको कॉल कर लीजिए एंड देन उसको आपको ट्रैवर्स करके देख लीजिए। तो दिस इज दी यस यू कैन सी दैट दिस इज दी आंसर एंड यू कैन सी दैट दी मल्टीप्लाइड पॉलिनोमियल इज 14x पावर 15 -27x पावर 14 एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप हमने इसको पहले ही देख लिया है, या आप वेरीफाई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। सो ये जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन का, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और इस सिंपल से मेथड में हमने डीएटी का यूज करके, एक्स्ट्रा स्पेस तो हमें जरूरत पड़ी नो डाउट, लेकिन हमने अपने प्रोसेस को एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से घटा के एन कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया, जो कि एन स्क्वायर में इसलिए हो रहा था क्योंकि हमें रीअरेंज करने की पॉलिनोमियल ट्री को आवश्यकता पड़ रही थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल अगेन मीट विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।